साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का दिव्यांग जगत पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथियों, आज दिव्यांगों से जुड़े मुद्दे पर तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन देश भर में जो करोड़ों दिव्यांग साथी है, यह तो आप मानते हो कम से कम हमारी संख्या करोड़ों में है। देश भर में हर राज्य के अंदर लाखों की संख्या में दिव्यांग है और सबकी एक अपनी एक अलग विचारधारा होती है। तो हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह सब आपको पता है, और अब दिव्यांगों की उसमें क्या भूमिका रहेगी क्या नहीं रहेगी, मेरा एक छोटा सा विश्लेषण मैं आपको बताने जा रहा हूं। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, एनडीए को 291 सीट मिली है और इंडिया गठबंधन को 234, बीजेपी को 240, और बीजेपी का जो घटक दल है, जो गठबंधन है, वो 291। सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए होती है। अगर वैसे देखें तो सरकार जो बनाने का जो आंकड़ा है वो एनडीए के पास है, बीजेपी के पास है, तो सरकार बनाने का दावा ये पेश कर सकते हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यह है, आपको क्या लगता है देश का प्रधानमंत्री कोई नया चेहरा होगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे? हालांकि आप सब देखते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, 1962 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में कोई सरकार तीसरी बार लगातार अपना पीएम प्रोजेक्ट करने जा रही है। साथियों, चुनावों में दिलचस्पी हम सबको होनी चाहिए, क्योंकि ये सब लोग मिलकर के देश का भविष्य तय करते हैं, देश के लिए कानून बनाते हैं, संविधान बनाते हैं, नीति निर्धारण करते हैं, और उसमें हम लोगों को जगह मिलती है। मैं ये नहीं कहता, देखो हम सबकी एक अपनी एक अलग विचारधारा होती है, सबका एक अपना माइंड होता है, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई सपा, कोई बसपा, कोई आम आदमी पार्टी, सबका एक अपना नजरिया होता है। आप किस नजरिए से किस राजनीतिक दल को, आज अगर इंडिया गठबंधन की 240 सीटें आई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने फर्जी तरीके से सीटें लाए, नहीं, उनको भी देश में कहीं ना कहीं जनाधार मिला है, उनको भी पब्लिक चाहती है। राहुल गांधी जो लगातार मेहनत कर रहे थे, उनका भी कद अब बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी 100 सीटों तक पहुंची है। तो कई चीजें हैं इसके अंदर। राहुल गांधी ने जो लड़ाई लड़ी है, वो बार बार कहते हैं भारत जोड़ा यात्रा जो उनका एक मिशन था उसके तहत भी उन्होंने, लेकिन सबसे बड़ी बात जो एग्जिट पोल थे न्यूज चैनल्स के, वो सब धराशायी हो गए, और इन एग्जिट पोल के कारण कई लोगों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है, क्योंकि जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे वहां ना तो एनडीए पहुंचा ना बीजेपी पहुंची है, कोई नहीं पहुंचा है, और कांग्रेस की सीटें या इंडिया गठबंधन की सीटें उस एग्जिट पोल से कहीं ज्यादा है। बीजेपी 400 पार का जो नारा बीजेपी ने दिया था वो 300 पार भी नहीं हो पाई। तो इसमें कई चीजें हैं। मैं आपको केवल एक छोटा सा विश्लेषण ये बताने जा रहा था कि 291 या 292 में से अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो भी बीजेपी उस 272 के आंकड़े तक आराम से पहुंचेगी। कांग्रेस पार्टी को अगर ये समर्थन दे देते हैं तो भी कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। देखो, एक ऐसा ही मैं आपको तथ्य बताता हूं, एक दो सहयोगी के दलों के हटने से भी एनडीए सरकार के बहुमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो कैसे मैं आपको बताता हूं। देखो, ये एक ऑथेंटिक न्यूज़पेपर की ये हेडलाइन है, खबर है, एनडीए चुनाव पूर्व गठबंधन है और उसे स्पष्ट बहुमत 291 मिला है, इसलिए सरकार एनडीए की ही बनेगी। भाजपा अकेले की 240 सीटें हैं जो बहुमत से 32 कम है। देखो, समझना मेरी बात को, 240 में 32, 32 जोड़ते ही कितने हो गई 272, लेकिन 32 का मतलब रह गई 240। ये कमी उसके तीन सबसे बड़े सहयोगी टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, जदयू और शिवसेना शिंदे पूरी कर देते हैं।
शिवसेना शिंदे की 7 सीटें हैं, टीडीपी 16, साथ भी छोड़ दे तो बहुमत 272 से 4 ज्यादा यानी 275 एनडीए के पास रहेगी। जदयू पाला बदले तो भी एनडीए के पास 279 सीटें रहेगी जो बहुमत से 7 ज्यादा है। हालांकि दोनों दल स्पष्ट कर चुके हैं कि वे एनडीए के साथ है। 7 निर्दलीय व 11 छोटे दलों के सांसद है जो किसी के साथ नहीं है। अब आप समझ सकते हो निर्दलीय किधर जाते हैं, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इनमें कुछ भाजपा के पूर्व सहयोगी या एनडीए में जा सकते हैं। इंडिया का समीकरण, इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है जो इंडिया गठबंधन है, जिसकी अकेले 99 सीटें हैं। इंडिया के सभी दलों को जोड़ें तो सीटें 234 पहुंचती है जो बहुमत से 38 सीटें कम है। टीडीपी 16 और जदयू 12 मिलकर सिर्फ 28 सीटें होगी जो बहुमत से 10 कम है। अन्य 18 में से एक मुश्त 10 साधना असंभव। ऐसे परिदृश्य में इंडिया का 270 तक पहुंचना कठिन मुश्किल है। ये मैंने आपको एक आंकड़ा बताया है जो आपको भी समझ में आ गया होगा। साथियों, इस चुनाव में मुझे कुछ चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई एक भव्य राम मंदिर बनने के बाद भी। एक मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, बिल्कुल जीरो। एक आप दिल्ली की बात करो, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जमानत पर रिहा हुए, उन्होंने खूब चुनाव किया, बीजेपी के विरोध में बिल्कुल मुखर होके बोलते हैं, बीजेपी भी उनका विरोध करती है तो जाहिर सी बात है वो भी करेंगे। उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी का दिल्ली के अंदर खाता नहीं खुला, जीरो रही है। अब आप मुझे एक बात आपको भी समझ नहीं आनी चाहिए, मुझे भी समझ में आनी चाहिए कि दिल्ली के लोग विधानसभा चुनावों में तो केजरीवाल को वोट करते हैं, एक तरफा जीतते हैं केजरीवाल, लेकिन लोकसभा चुनावों में वो मोदी को वोट करते हैं। ये सोचो, इस बार तो उनका सीएम जेल में था, उसके बावजूद भी दिल्ली के लोगों का गुस्सा मोदी के प्रति नहीं था। समझना मेरी बात भाई, आप जिस लीडर से प्यार करते हो और आपका लीडर वहां का सीएम है और वो जेल में, तो फिर आपका गुस्सा होना चाहिए ना, लेकिन नहीं। सातों की सातों सीटें दिल्ली वालों ने बीजेपी के खाते में डाल दी। तो ये गणित जो है आपको पब्लिक की नब्ज समझ में कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी ये कोई नहीं कह सकता। एक चीज मैं आपको बताता हूं साथियों, ये जो लोग एग्जिट पोल जारी करते हैं ये मेरी समझ से बाहर है। ये पता नहीं किस आधार पे एग्जिट पोल जारी करते हैं। क्या आपके क्षेत्र में आते हैं आपसे पूछने कि आपने वोट किसको दिया? ये लोग क्या करते हैं, 10-5 हजार लोगों का सर्वे करते हैं और ये मान लो किसी ऐसी विधानसभा में पहुंच गए, किसी ऐसे गांव में पहुंच गए जो किसी एक ही राजनीतिक दल का हो, तो फिर ये बोलते हैं कि या तो इसका ही माहौल है। नहीं, एक लोकसभा सीट में 10-10 लाख, 12-12 लाख, 20-20 लाख वोट होते हैं। उन वोटों के आधार पर एग्जिट होना चाहिए ना। पूरी तरह से धराशायी हुए हिंदुस्तान के एग्जिट पोल। मेरे दो प्रश्न आपसे हैं, आप मुझे इनका जवाब देंगे जरूर। हिंदुस्तान में सरकार किसकी बनेगी और कौन प्रधानमंत्री होगा? मैं देखता हूं किसके कमेंट बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं और किसका जवाब सबसे शानदार होगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर।